दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है हमारे साथ हैं अशोक सोमकर जी हैं जो झारखंड के प्रभारी बनाए गए हैं और जिस तरीके से बिगुल भी बच चुका है झारखंड और महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जो आपको प्रभारी बनाया गया है अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी ये बताइए कि, कि किस तरीके से तैयारी चल रही है और झारखंड कर झारखंड को लेकर क्योंकि जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया है कि क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो परिणाम आने के बाद बहुत सारी चीज़ों पे प्रश्न प्रश्न खड़ा होना शुरू हो गया है सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बधाई दे और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना विश्वास किया हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्या जी भाई साहब ने जिस तरीके से मेरे पर विश्वास किया मैं उत्तर प्रदेश से छः लोगों को झारखंड का प्रवासी बनाया गया है हर एक विधानसभा के लिए और उसमें एक मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी देने के लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व श्री लाल सिंह आर्या जी और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी भाई साहब का आ, किस तरीके से माहौल बनाया बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि सामने वहाँ पर विभिन्न पार्टियाँ हैं और ख़ासकर कांग्रेस को लेकर देखिए कांग्रेस कभी भी भारतीय जनता पार्टी को सामने से टक्कर नहीं दे सकती है कांग्रेस वहाँ पर टक्कर दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को जहाँ पर उनके गठबंधन के हैं अभी हरियाणा में हमारी फाइट हुई तो आप सबके सामने परिणाम आया ये लोग सुबह जलेबी खाने के फिराक में थे लेकिन वो जलेबी इनकी फीकी पड़ गई तो देश के सबसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति विश्वास करता है माननीय मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाया है अंतिम पैदान पर व्यक्ति को जैसे कि झारखंड एक मेरा बहुत पिछड़ा राज्य है और वहाँ पे प्रधानमंत्री से लोगों को आस है जल जीवन मिशन को ख़त्म करने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से वहाँ पे परिवर्तन नहीं दिखाई दिया और यहाँ पे भाजपा की सरकार आने के बाद आपको बहुत परिवर्तन दिखाई देगा लेकिन जिस तरीके से आज के समय में महंगाई बेरोजगारी तमाम तरह के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या मुद्दे रहेंगे क्योंकि तो इंडिया गठबंधन जो इस तरीके से लगातार हमला बोल रहा है आपके भारतीय जनता पार्टी के खासकर मोदी सरकार पर देखिए इंडिया गठबंधन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है अगर दिखाई देता तो आपको उत्तर प्रदेश में हमारे उपचुनाव होने वाले हैं वहाँ पर भी अखिलेश यादव जी ने एक भी टिकट इनको नहीं दिया उसका कारण ये रहा कि इन्होंने अखिलेश यादव को अपने गठबंधनों को जो इनके साथ एलायंस में है उनको सम्मान नहीं देते हैं जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अखिलेश अखिलेश का शब्द का प्रयोग किया महाराष्ट्र में जिस तरीके से वहाँ पर अखिलेश जी को अपमानी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा है और उनको ये लोग सम्मान नहीं देते अखिलेश यादव ने बदले की भावना से एक भी सीटिंग को नहीं दी और रह गई हमारी गठबंधन की बात देखिए हम लोग हर गठबंधन को सम्मान देते हैं ओम तो प्रकाश राजभर भी तो कह रहे हैं कि उनको भी आप लोग नहीं दिए जबकि वो भी अब बहुत डंका बजाते हैं नहीं देखिए आप तो, पत्रकार महोदय आप गलत शब्द ओम प्रकाश राजभर नहीं संजय निशा जी टिकट मांग रहे हैं अब संजय इस पर श्रेष्ठ निश्चित हमारा तय करेगा हमारे कहने का मकसद है कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये भी लोग सहयोग सहयोगी दल में आपके जैसे एन में ये लोग शामिल हैं तो संजय निषाद हो गए बड़े चेहरे और ओम प्रकाश राजभर ये भी बड़े चेहरे हो गए हैं अनुप्रिया पटेल भी हो गए बहुत सारे चेहरे हैं तो इनको क्यों आप दरकिनार कर रहे हैं नहीं नहीं कहीं दरकिनार नहीं किया जा रहा है उनको सर सम्मान के साथ आप देखिए अनुप्रिया पटेल जी एक सीट जीत कर आई हैं अपना खुद का उनको भी ये सरकार ने हमारे राज्य मंत्री बनाया है केंद्र में और संजय निषाद भी कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर भी कैबिनेट मंत्री हैं दो के चुनाव की दृष्टि से देखते हुए गठबंधन फिर भी हमारे पार्टी ने उनको सम्मानजनक स्थान पर रखा है और वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तो जो है श्री अमित शाह जी जे पी नड्डा जी उस पर तय करेंगे कि संजय निषाद जी को क्या करना है और क्या नहीं करना है चुनाव के परिणाम के क्या ऐलान थोड़ा करेंगे किस तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार बनाने जा रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतिम पैदान पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करने का काम देश के सस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करते हैं पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ है कि किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रीय राष्ट्रपति बनाया गया है और वो भी ऐसे ही क्षेत्र से आते हैं और उसी मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं अंतिम समाज पैदान पर व्यक्ति और अनुसूचित जाति मोर्चे का काम ही है कि बस्ती बस्ती जाकर लोगों को जागरूक करना और विश्व के सबसे ताकत नेता देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जोड़ने का काम हम लोग करेंगे मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की छोटा सा कार्य करता हूँ एक बात बताइए कि जिस तरीके से झारखंड में क्या है Uh, क्या है जो मतलब कि लोगों की क्या डिमांड है जिस तरीके से आप बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम पावधान तक लेके जाने की देखिए जो विधानसभा मुझे मिला है गढ़वा जैसे कि कल माननीय सांसद बुलंदशहर श्री भोला सिंह जी का फ़ोन मेरे पास आया कि आपको गढ़वा विधानसभा का प्रवासी बनाया जाता है वहाँ पर हमारा विधायक नहीं है वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि पंद्रह हज़ार से पिछली बार मेरा विधायक हार गया था चुनाव मैं इस बार अपने तन मन धन से पूरे सहयोग के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब काशीवासी यहाँ से जाएंगे जिस तरीके से विश्व में काशी का प्रचम लहराया है इस बार गढ़वा में भी जाकर भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाकर उसको झारखंड में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे जो भी पार्टी जीतेगी उसमें गठबंधन के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ झारखंड में अपनी सरकार बनाएगी बिल्कुल तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक सोनकर जी थे बहुत सारी बातें बताए हैं झारखंड चुनाव को लेकर जो चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में क्या नया परिणाम आएगा देखना दिलचस्प होगा तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त नमस्कार देश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें डब्ल्यू पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें